आध्यात्मिक गुरु सुदर्शन जी महाराज ने योग की महत्ता को रेखांकित करते हुए इसे सर्वजन हिताय माना है। व्यसनों से शरीर को क्षति और योग से गति मिलने की बात पर आचार्य ने कहा है कि आज पूरे विश्व में योगाभ्यासी मिल जाएंगे, क्योंकि यह पूरी तरह वैज्ञानिक आधार पर आधारित है। आज जो हम अशांति में जी रहे हैं, अगर योग करेंगे तो मन शांत रहेगा। दूसरा, कई लोग यह भी कहते हैं कि आजकल पेट की बहुत बीमारी चल गई है। कोई बीमारी नहीं होती है पेट की, आप तो केवल आलस्य कर रहे हैं। कुछ मत करें, भोजन के बाद जल का प्रयोग न करें। दूसरा, प्रातः काल जब सोकर उठते हैं तो गुनगुना पानी और तुलसी का पत्ता का सेवन करें, आप देखिएगा एसिडिटी कम होना शुरू होगा। तीसरी बात, पानी जब कभी भी पिए तो जिस प्रकार चिड़िया अपने चोंच से पानी पीती है धीरे धीरे, उसी प्रकार आप भी पानी पिए। कहते तो हैं यह कि जीभ से चाट कर पानी पीना चाहिए, जैसे नदी में बैल बाघ सिंह पानी पीता है। हम भी अगर वैसा करें तो लाभ क्या होगा कि हमारे जो ग्लैंड्स हैं, लार ग्रंथियां हैं, उसमें से लार निकलेगा और पानी अमृत बन जाएगा। सुबह में सोकर उठते समय कुल्ला मत करें, पहले पानी पी लें थोड़ा, उसके बाद लार को भीतर जाने दें और उसके बाद तो फिर दूसरा काम करें। एक तो पेट की बीमारी नाम नहीं लेगी आपके निकट आने की। कोई भी पित्त की बीमारी, तीन प्रकार की बीमारी होती है, कफ पित्त और वायु। यह तीन प्रकार की बीमारी का नाश तभी होगा जब पानी पी ये ठीक से आप। कई लोग कह रहे हैं कि पाँव में दर्द होता है, ठेगुने में दर्द होता है, होता होगा। यह शरीर में जब उसकी ऊर्जा कम हो जाती है तो उसमें दर्द हो जाता है, घिसने लगता है, वह तरलता कम हो जाती है। तो हम लोगों के आयुर्वेद में भी कहा गया है कि अगर संभव हो सके तो थोड़ा घी भोजन में मिला के, चावल में मिला के, थोड़ा घी को चावल में मिला के खाइए, ल्यूब्रिकेंट्स आपके शरीर में कम हो रहा है। कई लोगों को देखते हैं छाती में दर्द होता है, तो ऐसे भी हार्ट के बीमार लोग होते हैं, उनसे निवेदन यह है कि कभी भी आप बलपूर्वक व्यायाम मत करें, हल्का सा व्यायाम करें। और सबसे महत्वपूर्ण व्यायाम हो गया है आजकल अनुलोम विलोम, इसको करिए। और भी गहरा व्यायाम है, मैं कभी बताऊंगा आपको जो मैं करता हूं। और मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि मैंने जब से सारी क्रियाएं करना शुरू की तो मैं बहुत पूर्णतः स्वस्थ हूं। और मैं भी चाहता हूं कि मेरे जितने मित्र हैं, प्रियजन हैं, बाल बच्चे महिलाएं सब स्वस्थ रहें। लेकिन आपको भोजन स्वस्थ करना होगा, शाकाहारी करना होगा, व्यायाम करना ही पड़ेगा, तभी आप स्वस्थ हो सकते हैं। समय मिल जाए तो थोड़ा नासिका को भी साफ करने का प्रयास करिएगा, जैसे नाक झाड़ते हैं ना, यह भी झाड़ते। कई लोग तो यह भी करते हैं, पेट की हवा बाहर फेंकते हैं, ऐसे करते हैं लोग, पेट की हवा बाहर फेंकते हैं, पूरी जीभ निकालते हैं, जीभ निकाल के हवा बाहर फेंकते हैं, रात का जितना कचरा है भरा हुआ सब आपको बाहर आ जाएगा। आप देखिएगा 5 मिनट में आप कूदने लगेंगे। और चलना, व्यायाम करना, टहलना मत छोड़िए, क्योंकि वही हमको जीवित रखेगा और उसी को हम लोगों को पकड़ के रखना है, नियमित व्यायाम करना है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास संभव है, इसलिए इस विधा को अंगीकार करने में ही सबों की भलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसजीएफ न्यूज़।